तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन जीएस के में। दोस्तों हम लोग बीएमडब्ल्यू या बीडब्ल्यू का स्टडी कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 का यह दूसरा लेक्चर है दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर को कवर कर लिया है। चैप्टर का नाम है कपलिंग एवं क्लच। ठीक, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर को हम लोगों ने कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने इसमें फर्स्ट टॉपिक युग्मक, ठीक, इसमें ओवरऑल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में 4 टॉपिक को कवर कर लिए थे। पहला टॉपिक था हमारा युग्मक, ठीक है, युग्मक को यानी कि कपलिंग, जिसे बोला था कपलिंग को समझे हैं कि कपलिंग क्या होता है। दूसरा टॉपिक है हमारा कपलिंग के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कपलिंग, ठीक, कपलिंग के प्रकार को समझे हैं, जिसमें था हमारा रिजिड या फास्ट कपलिंग, और दूसरा था हमारा लचीली कपलिंग, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में समझ लिया है। और तीसरा हमारा था रिजिड कपलिंग, ठीक है, यानी कि दृढ़ कपलिंग से बोला जाता था, ठीक है। और चौथा हमारा था लचीली कपलिंग, ठीक है। तो इन चारों टॉपिक को हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही कवर कर लिया है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल को प्लेलिस्ट में जाकर के बीएमडब्ल्यू के सेकेंड सेमेस्टर के नाम से चैनल बनाया गया है, सॉरी प्लेलिस्ट बनाया गया, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, एक महासंग्राम बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, लास्ट मोमेंट बैच के नाम से, जिसका नाम रहेगा, क्योंकि आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं प्रश्न, जैसे कि बीएमडब्ल्यू और बीडब्ल्यू के रिलेटेड से जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। तो आपका 10 तारीख से वो बैच स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए यार, जिससे मोटिवेशन मिलता है तो वीडियो बनाने में और मज़ा आता है। मैं बार बार एक ही बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, और क्या नाम है कि वीडियो को लाइक करते हो, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप एक और आपको बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में, खासतौर से सिविल वालों के लिए, जो भी बच्चे सिविल वाले हैं वो सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे इसके बाद, ठीक है, यदि क्या जाएंगे सॉरी, ठीक है, तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं भी एक सिविल ब्रांच का ही, ठीक है, स्टूडेंट हूँ, मेरा सेकेंड ईयर, तो मैं थर्ड सेमेस्टर वालों का, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो भी सब्जेक्ट बोलेंगे, अप्रॉक्स 6 सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्टों की बोलेंगे तो सारे सब्जेक्ट उनको पढ़ा दिए जाएंगे और इसी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री या कॉस्ट रहेगी दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हर प्रकार का इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलता रहेगा, ठीक है। और आपको जो भी चीज़ें, ठीक है, जहाँ भी डाउट होगा वहाँ पर आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, जो भी चीज़ें हैं आपका, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मॉडल पेपर है, सॉरी जो मॉडल पेपर है, हाँ मॉडल पेपर वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। बस आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल पर बने, क्योंकि चैनल नया है यार, ग्रो करवाना है आपके हाथ में है। यदि आप लोगों ने हमारा साथ नहीं देंगे तो भाई हम भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा भी, हमको भी पढ़ना अपना देखना है। तो दोस्तों यदि आप लोग सपोर्ट करोगे तो सपोर्ट मिलेगा, मैं सीधी सीधी बात मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको। यदि आप लोग हेल्प करोगे तो हेल्प आपको मिलने वाला है दोस्तों। शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं करोगे तो सिंपल है भाई, वीडियो बनाना बंद ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी अपनी तैयारी करनी है दोस्तों, ठीक है। फालतू का मैं वीडियो क्यों डालूंगा जब मुझे कोई रिस्पांस ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि टॉपिक नंबर 5 से। इसके पहले मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम लोगों ने 4 टॉपिक को, हमारा जो इसमें ओवरऑल 6 टॉपिक है, जिसमें से हम लोगों ने 4 टॉपिक को, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कवर कर लिया। आज हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हमारा ये खत्म भी हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। तो आज हमारा पांचवा टॉपिक, चलिए देख लेते हैं पांचवा टॉपिक है कौन सा। पांचवा टॉपिक है हमारा क्लच, ठीक है, पांचवा टॉपिक में हम लोग क्लच को समझने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 5 हमारा क्लच की, क्लच क्या होता है इसको जानेंगे, और छठवां टॉपिक हमारा क्लच के प्रकार, ठीक है, जिसमें हमारा धनात्मक क्लच होता है, घर्षण क्लच, ठीक, इसको हम समझेंगे। और मैं आप लोगों को एक मेरा टॉपिक और छूट गया, मान लीजिए इसमें ओवरऑल 7 टॉपिक है, क्योंकि देखिए एक टॉपिक और है उसमें अदर करके, ठीक है, अदर टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे है, वहाँ पे सिंगल क्लच है और मल्टीप्लाई क्लच है, ठीक है, मल्टीपल क्लच है, इन दोनों के बारे में अंतर है, चूँकि बेहद ही इंपॉर्टेंट है वो है, और वहाँ पे कुछ और क्लचें दी गई हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सातवां टॉपिक अदर क्लच करके डाल लीजिएगा, ये चैप्टर आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बगैर स्किप की वीडियो को फुल वॉच करना है आपको। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्लच से स्टार्ट करते हैं कि क्लच होता क्या है, चलिए देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आज हम लोग समझेंगे क्लच, ठीक है, क्लच क्या होता है, क्लच के बारे में समझ लेते हैं। देखिए थ्योरी आपका काफ़ी बड़ा है तो आपको थ्योरी टोटल लिखना नहीं है दोस्तों, ठीक है, जैसा बताया जाएगा आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके हर सेमेस्टर में आपका साथ निभाएंगे, तो आपको
इस चैनल से बने रहना है, ठीक है, थोड़ा सा विश्वास पैसे में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यहाँ देखिए लिखा है क्लच, ठीक है, क्लच को चलिए समझते हैं कि क्लच होता क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया है, इंट्रोडक्शन में दिया है एक क्लच वह युक्ति है, ठीक है, क्या है यहाँ पे देखिए, बस ध्यान से आपको समझना है चीज़ों को, बस यार चीज़ों को समझो और लिखो, लिखो बाद में थोड़ा सा पहले समझ लो, लिखना तुरंत नहीं चालू करना है, ठीक है। यह ठीक है एक क्लच वह युक्ति है, जो क्लच होती है, ठीक है, क्या है वह युक्ति है, ठीक है, जो चालक शाफ्ट को, किसको, चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से जोड़ती है। समझ पा रहे हो आप, क्लच वह युक्ति होती है, वह डिवाइस होती है जो चालक शाफ्ट को, किस शाफ्ट को, चालक शाफ्ट को, ठीक है, चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से जोड़ती है। समझ पा रहे हैं आप, जिसमें चालक शाफ्ट, ठीक है, को रोके बिना चलित शाफ्ट को चालक शाफ्ट से जोड़ा जाता है, जा सकता है, जिसमें चालक शाफ्ट को रोके बिना, ठीक है, जो चालक शाफ्ट होता है उसको रोके बिना चलित शाफ्ट को चालक शाफ्ट से जोड़ा जा सकता है और हटाया भी जा सकता है उसको रोके ही बिना, ठीक है। क्लच का ऑटोमोबाइल में मुख्य उपयोग होता है, ठीक है, जहाँ क्लच को इंजन, क्लच का ऑटोमोबाइल में मुख्य उपयोग होता है, कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे क्लच को इंजन तथा गियर बॉक्स के मध्य लगाया जाता है। क्लच का उपयोग स्कूटर, कार, बस, ट्रैक्टर आदि में करते हैं। समझ पा रहे हैं आप, क्लच का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, क्लच का उपयोग स्कूटर, कार, बस, ट्रैक्टर आदि में करते हैं, ठीक। तो आपको यहाँ से कुछ पॉइंटें मिलेंगी, चूँकि आपको जिसको नोट कर लेना है, देखिए आप अपने यहाँ पर कॉपी में जो आपका, ठीक है, नोट्स है उसमें आप पॉइंट टू पॉइंट करके लिखते जाओ यार, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है ना, तो आपको बिल्कुल भी आप स्थिर नहीं रहना है, ठीक है, आपने पढ़ाई में लग जाना यार, ठीक है भाई, जी जान से लग जाना, क्योंकि आपका ये मेहनत ही, ठीक है, आपके मार्कशीट पर, ठीक है, आप जो भी मेहनत किए रहेंगे, जो आपके मार्कशीट पर एक बार छप जाएगा, ज़िंदगी में हटने वाला नहीं है, आपको बस मेहनत करना है, चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है, बस बस 10-15 और 20 दिन की और पढ़ाई है, पढ़ लो, उसके बाद आपका सेकंड सेमेस्टर चला जाने की फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो अच्छा भाई मार्क आएगा। तो हम देखो क्या लिखा है, क्लच, क्लच को चलिए समझते हैं, क्लच को समझे हैं, लेकिन पॉइंट करके आपको आपको क्या लिखना है इसमें मैं बता रहा हूँ। पहले पॉइंट में लिखोगे आप, ठीक है, ठीक है, क्लच वह युक्ति है, क्या लिखोगे, क्लच वह युक्ति है जो चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट में, सिंपल है, चालक शाफ्ट है हमारा, ठीक है, इसको चलित शाफ्ट में शाफ्ट से जोड़ती है, ठीक है, समझ पा रहे हो, जिसमें चालक शाफ्ट को रोके बिना, ठीक है, देखो चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से जोड़ती है, फिर क्या लिखना है, जिसमें चालक शाफ्ट को, तो चालक शाफ्ट इसी को रोके बिना चलित शाफ्ट को चालक शाफ्ट से, ठीक है, चलित शाफ्ट को चालक शाफ्ट से जोड़ा जा सकता है या हटाया जा सकता है, पहले पॉइंट में लिख देना, ठीक है, या फिर क्लच, क्लच करके हेडिंग डाल के, फिर क्लच ऐसे हेडिंग डालना, ठीक है, जो भी आपका जिस तरह लिखा है, क्लच हेडिंग डाल के लिखने के बाद, ठीक है, क्लच हेडिंग डालने के बाद, ठीक, कोई नहीं यार, सॉरी यार, आप पॉइंट करके लिख दो, कोई बात नहीं, एक पॉइंट लिख दिए, ये चलिए सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखना है, इसमें जो भी चीज़ें पॉइंट है, जो जो पॉइंट आपको मिलेंगे वो सारी चीज़ें लिखेंगे हम लोग, ठीक है। आगे आपको लिखना है कि देखो यहाँ पे लिखना क्लच का उपयोग, ठीक है, दूसरा पॉइंट में आप क्या लिख लोगे, क्लच का उपयोग स्कूटर, कार, बस, ट्रैक्टर आदि में करते हैं, क्लच का उपयोग कहाँ करते हैं, स्कूटर, कार, बस, ट्रैक्टर आदि में करते हैं। देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप चीज़ों को जब सुनते रहोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली याद होता जाएगा, ठीक है, एक बार सुनोगे, एक बार लिखोगे, तो चीज़ें आपको और जल्दी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है, तो आपको पेशेंस रख के ठीक है चीज़ों को समझना सिर्फ। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, आगे लिखा है यहाँ पे क्लच, कार तथा उपयोग, बात तो ही हुआ, हम लोग दो पॉइंट इसमें लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लच हेडिंग डाले हैं और क्लच में दो पॉइंट लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, क्लच के कार तथा उपयोग, ठीक है, इसको भी आप हेडिंग हेडिंग बना लीजिएगा, क्लच के प्रमुख, यहाँ पे देखो आप एग्जाम में दे सकते हैं, क्लच क्या होता है, क्लच की कार का उपयोगों का वर्णन करें, ठीक है, तो आपको पता रहेगा क्लच का कार और उपयोग तो लिख दोगे, ठीक है, क्लच का कार तो आपका यहीं पे पता चल गया उपयोग इसका कहाँ पे करते हैं, तो कार देख लेते हैं यहाँ पे, क्लच के कार्य निम्न प्रकार है, कौन कौन से, चालक शाफ्ट की चलती अवस्था, जो चालक जो शाफ्ट होता है, ठीक है, उसकी चलती अवस्था में, ठीक है, उससे चलित शाफ्ट को शीघ्र ही क्लच द्वारा जोड़ा तथा इच्छा अनुसार अलग भी किया जा सकता है, ठीक, चालक शाफ्ट की चलती अवस्था में उससे चलित शाफ्ट को शीघ्र ही क्लच द्वारा जोड़ा था इच्छा अनुसार अलग भी किया जा सकता है, बात यही पे यहाँ पे लिखा दिया है, जिसमें चालक शाफ्ट रोके बिना चलित शाफ्ट को, ठीक है, चालक शाफ्ट से जोड़ा जा सकता है और हटाया जा सकता है, ठीक है, यही चीज़ें आप इसमें भी लिख देने की कोई दिक्कत नहीं है, चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट को जोड़ने पर चालक शाफ्ट की शक्ति को चलित शाफ्ट पर क्लच द्वारा पारेषित किया जाता है, ठीक है, आपको चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट को जोड़ने के लिए, ठीक है, आपको पता है चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से जोड़ा, चालक को चलित कर दो यार, शाफ्ट 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 सेम रहेगा, चालक को चलित करो उसको, उससे का जोड़ा जा रहा है, ठीक है, चालक शाफ्ट को शक्ति को चलित शाफ्ट पर क्लच द्वारा पारेषित किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लिखा है कि चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट को, चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट को जोड़ने पर चालक शाफ्ट की शक्ति को
चलित है, ठीक है, चलित शाफ्ट पर क्लच द्वारा पारेषित किया जाता है, ठीक है, इनको जोड़ने पर, ठीक। तीसरा पॉइंट है आपका चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट पर बार बार सभी पारेषण करने तथा रोकने के लिए क्लच का प्रयोग करते हैं। समझ पा रहे हो आप, चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट पर बार बार, ठीक है, चालक शाफ्ट से किस शाफ्ट पर, चलित शाफ्ट पर बार बार क्या करने के लिए, शक्ति पारेषण करने के लिए क्लच का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लच का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट को बार बार जब पारेषित करने की क्रिया कराई जाती है जहाँ पे, वहाँ पर हम लोग क्लच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्लच का प्रयोग आपको क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। चौथा आपका पॉइंट है यहाँ पे, जब कोई मशीन पूर्ण या आंशिक भारित है, ठीक है, देखो यार कोई लिखवाएगा ना, कोई किसी की भी मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें कोई नया रूल नहीं डाल देगा यार, क्योंकि थ्योरी पार्ट है, जहाँ पे मैं जहाँ पे छाड़ने लायक है मैं खुद छड़वा दे रहा हूँ यार आपको, ठीक है। बस एक है, एक बात और है, डायग्राम थोड़ा सा, क्योंकि डायग्राम समझाने लग जाए तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा और चीज़ें नजदीक, आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है, सारी डायग्राम आपको समझाई जाएंगी। बस अब थर्ड सेमेस्टर में, जो भी थर्ड सेमेस्टर में एक भी पॉइंट आपको छोड़ा नहीं जाएगा यार, थर्ड सेमेस्टर में बिल्कुल फ्री या कास्ट आपको इसी चैनल पर बिल्कुल हर चीज़ें मिलेंगी, एक चीज़ें आपको छोड़ी नहीं जाएंगी बिल्कुल, आप जिस तरीके से कहोगे आपके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बस आप चैनल के साथ बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपका चैनल है भाई, ठीक है, परिवार को बढ़ाना है, जब आपकी जिम्मेदारी आप बढ़ाओगे तो चीज़ों को रहने में और भी मज़ा आएगा, यानी कि बढ़ाने में और मज़ा आएगा। तो चौथा पॉइंट चलिए देख लेते हैं क्या है, जब कोई मशीन पूर्ण या आंशिक भारित, ठीक है, फुल्ली, ठीक है, फुल्ली या पार्शली लोडेड होती है, उस अवस्था में भी मशीन पर शक्ति पारेषण के लिए क्लच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब कोई मशीन पूर्ण या आंशिक भारित होती है ना, मशीन कोई पूर्ण होता है या थोड़ी से भारी, हल्की से भारी होती है, ठीक है, आंशिक होती है, पार्शली लोडेड होती है, तो वह उस अवस्था में भी मशीन पर शक्ति पारेषण के लिए, उस अवस्था में जब मशीन पर शक्ति पारेषण के लिए क्लच का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्लच का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा, यो मैं आशा करता हूँ कि क्लच को आपको समझा पाया होगा, और क्लच क्या होता है, क्लच क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए हैं, क्लच के कार्य तथा उपयोग हम लोग यहाँ से जान लें कि क्लच के कार्य क्या क्या है, यहाँ पे कार्य के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। क्लच के उपयोग आपको पता है, क्लच का उपयोग स्कूटर, बस, ट्रैक्टर आदि में करते हैं, ठीक है। तो इतना आप लिख लोगे, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर हमारा 6 है, क्लच के प्रकार, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्लच के प्रकार क्या होता है, ठीक है। तो क्लच के प्रकार को समझ लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच हमारा, ठीक, इसको समझते हैं कि क्या होता है। यहाँ देखिए क्लच, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा, ठीक है, शॉर्टकट में दिया गया क्लच है। तो क्लच आपके दो प्रकार के होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं, धनात्मक और घर्षण, ठीक है। आपके टॉपिक में भी लिखाया गया है पॉजिटिव क्लच और फ्रिक्शन क्लच, ठीक, समझ में आ रहा है आपको। क्लच कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनात्मक और घर्षण, ठीक है। चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, आपको समझते जाना है, लिखते जाना है चीज़ों को, ठीक है। देखो इसमें क्या है, आप धनात्मक क्लच को देखोगे तो ये सिर्फ एक प्रकार का होता है, कौन कौन सा, जबड़ा क्लच, ठीक है, जा क्लच या क्ले क्लच, ठीक है। और यहाँ पे देखिए घर्षण क्लच जो है निम्न प्रकार का होता है भाई, चकती क्लच, शंकु क्लच, अपकेंद्रीय क्लच। चकती क्लच दो प्रकार का होता है, एकल प्लेट क्लच और बहुत चकती क्लच, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको धनात्मक क्लच और घर्षण क्लच के बारे में, ठीक है, विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है, कितने प्रकार के जो होते हैं, इन चीज़ों को हम लोग तीनों चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। वन बाई वन वन करके चलिए चीज़ों को समझते हैं कि क्या और कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके सिद्धांतों को, इसके सिद्धांत पर थोड़ा सा हम लोग नज़र डालते हैं कि क्लच का कहाँ गया यार, धनात्मक क्लच, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि धनात्मक क्लच होता क्या है भाई। क्लच हम लोग समझे टाइप्स ऑफ क्लच, जिसमें था हमारा पहला धनात्मक क्लच, दूसरा था हमारा क्या था, हमारा दूसरा था उसमें, एक मिनट यार कहाँ गया था, दूसरा था हमारा, बोल जाता है साला, घर्षण क्लच, ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक, दूसरा हमारा था फ्रिक्शन क्लच। तो हमारा हम लोग सबसे पहले समझेंगे पॉजिटिव क्लच को, यानी कि धनात्मक क्लच को हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों, कि धनात्मक क्लच होता क्या है। तो चलिए समझ लेते हैं कि धनात्मक क्लच क्या होता है। आपके स्क्रीन पर आपको धनात्मक क्लच का, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए समझते हैं कि धनात्मक क्लच होता क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा है, आपको बस पेशेंस रख के यार समझना है, मैं बार बार बताता हूँ कि चीज़ों का समझना रटना नहीं है, इतना टोटल थ्योरी नहीं लिखना है हमको। यहाँ देखो क्या लिखा है, इस क्लच के अंतर्गत, किस क्लच के अंतर्गत, पॉजिटिव क्लच के अंतर्गत चालक शाफ्ट की, ठीक है, आप चालक शाफ्ट बार बार हमसे मिल रहा है भाई, चालक शाफ्ट की कुंजी के द्वारा फैलेंज से जोड़ा जाता है, ठीक है, चालक शाफ्ट की कुंजी के द्वारा किसे, फ्लेंज से जोड़ा जाता है। हम लोग फ्लेंज को समझे हैं इसके पिछले वाले वीडियो में, लेक्चर में। यहाँ देखो, जबकि स्प्लाइन के आकार की चलित है, स्प्लाइन के आकार की चलित शाफ्ट को चलित फ्लेंज से जोड़ दिया जाता है, चालक एक चलित सतह की मिलान सतह पर समान आकार के जबड़े बने होते हैं, ठीक है, समान आकार के जबड़े बने होते हैं। जब चलित फ्लेंज का जबड़ा चालक फ्लेंज के जबड़े से फिट हो जाता है
तो बिना किसी फिसलन के सत्य पारेषण होने लगता है, इसलिए इसे धनात्मक चालक भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले चीज़ों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। इन कलचों के द्वारा चालक एवं चलित शाफ्ट को अति निम्न गति, ठीक है, 10 RPM से, ठीक है, 20 RPM पर ही आपस में जोड़ा एवं अलग किया जा सकता है। ये क्लच जबड़े की आकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्क्वायर लॉक क्लच और स्पाइरल लॉक क्लच, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार का दिया है, कौन कौन सा वर्गाकार जबड़ा क्लच के अंतर्गत जब, ठीक है। तो चलिए पहले चीज़ों को हम लोग समझ देंगे। धनात्मक क्लच यहाँ पे कुछ उसके बारे में लिखा था कि धनात्मक क्लच क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है धनात्मक क्लच भाई, ठीक है। यहाँ देखो लिखा है इस क्लच के अंतर्गत, ठीक है, चालक शाफ्ट की कुंजी के द्वारा, चालक की शाफ्ट की जो कुंजी होता है उसके द्वारा, चालक शाफ्ट की जो कुंजी होती है उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा फ्लैंज से जोड़ा जाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो धनात्मक क्लच को कैसे जोड़ा जाता है, चालक शाफ्ट की जो कुंजी जो होती है ना उसके फ्लैंज से जोड़ा जाता है, ठीक है, इसको धनात्मक क्लच को, जबकि स्पाइलन के आकार के चलित शाफ्ट को चलित फ्लैंज से जोड़ दिया जाता है। चालक एवं चलित सतह को मिलान सतह पर समान आकार के जबड़े बने होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो फिर लिखा है जब चलित फ्लैंज का जबड़ा, ठीक है, जबड़ा, यहाँ देखो जबड़ा चालक फ्लैंज के जबड़े में फिट हो जाता है, तो बिना किसी फिसलन के शक्ति पारेषण होने लगता है, इसलिए इसे धनात्मक चालन भी कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया धनात्मक क्लच क्या होता है। तो धनात्मक क्लच में आपको लिखना है भाई, क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि धनात्मक क्लच को, ठीक है, चालक शाफ्ट की कुंजी के द्वारा फ्लैंज से जोड़ा जाता है, ठीक है, इसमें इतना लिखना है, ठीक है। या फिर इसको लिखना है, या इसमें इसमें यह लिखना है, मतलब ये क्या लिखोगे आप, ठीक है, इस क्लच को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस क्लच को चालक शाफ्ट की कुंजी के द्वारा फ्लैंज से जोड़ा जाता है, पॉइंट करके लिखना है। पहला पॉइंट में आप लिख दोगे भाई, ठीक है, पहला पॉइंट में लिखोगे इस क्लच को चालक शाफ्ट की कुंजी के द्वारा फ्लैंज से जोड़ा जाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट इसमें कर दो, दूसरा पॉइंट इसमें लिखो, अब दूसरा पॉइंट लिखोगे चालक एवं चलित सतह की मिलान सतह पर समान आकार के जबड़े बने होते हैं, ठीक। इतना लिखने के बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट मुख्य और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना है, ठीक है, इन क्लचों के या इस क्लचों को, इन क्लचों को, ठीक है, इन क्लचों के द्वारा, ठीक है, किनको, धनात्मक क्लचों के द्वारा चालक एवं चलित शाफ्ट को अति निम्न गति कौन कौन सा है, 10 RPM से 20 RPM पर ही आपस में जोड़ा एवं अलग किया जा सकता है, इसी गति पे इनको अलग किया जा सकता है और जोड़ा जा सकता है धनात्मक क्लच को, ठीक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बस तीन पॉइंट इसमें लिखने के बाद आपको कुछ भी यहाँ पे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि तीन पॉइंट बहुत है इसमें। और उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो धनात्मक क्लच कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे लिखा था एक क्लच जबड़े की आकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, कौन, स्क्वायर लॉक क्लच और स्पाइरल। यहाँ पे वर्गाकार जबड़ा क्लच के क्लच यहाँ पे दिया है, इसको चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्गाकार जबड़ा क्लच के अंतर्गत देखो चीज़ें थोड़ा सा, देखो वीडियो बोरिंग लगेगी भाई, क्योंकि थ्योरी पार्ट है, वीडियो को बोरिंग लगना तय है, लेकिन आपको पेशेंस बना के देखना है, ठीक है, वीडियो को बोरिंग नहीं समझना है। यहाँ पे देखो वर्गाकार जबड़ा क्लच के अंतर्गत जबड़े वर्गाकार आकार के होते हैं तथा इनमें इनसे दोनों ओर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज शक्ति पारेषण किया जा सकता है। स्पाइरल जैक क्लच के अंतर्गत जबड़े समकोण त्रिभुज के आकार के होते हैं तथा इनके द्वारा एक ही दिशा में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में शक्ति पारेषण किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा वर्गाकार जबड़ा क्लच के बारे में, इसको आप नहीं लिखोगे तभी कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख दोगे तभी बहुत है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी पार्ट है, थोड़ी इतना पूरा छाप के थोड़ी आना यार, ठीक है। यहाँ पे लेकिन फिगर है, फिगर को एक दो बार प्रैक्टिस करके बना लोगे तो बेटर रहेगा, या फिर इसमें आप जब वर्गाकार जबड़ा क्लच में कुछ लिखना चाहोगे तो दो तीन पॉइंट इसमें से छांट करके लिख लेना, क्या लिख लोगे, पहले पॉइंट यहाँ पे देखो, चलिए लिखवा ही देता हूँ। पहला पॉइंट वर्गाकार जबड़ा क्लच में क्या लिखोगे, वर्गाकार जबड़ा क्लच के अंतर्गत जबड़े वर्गाकार आकार के होते हैं, पहले पॉइंट में लिखना है, ठीक है। दूसरे में क्या लिखना है, इसे दोनों ओर क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज शक्ति पारेषण किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट लिखना है स्पाइरल जैक क्लच, यानी कि वर्गाकार जबड़ा क्लच के अंतर्गत जबड़े समकोण त्रिभुज के आकार के होते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट लिख दो, बहुत ज़्यादा पॉइंट मिला है, चौथा लिख लो, इनके द्वारा एक ही दिशा में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिशा में शक्ति का पारेषण किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा है आपका, देखिए दोस्तों ये रहा है आपका धनात्मक क्लच, ठीक है। तो हम लोग समझ लिए हैं पॉजिटिव क्लच को, और सब उसके बाद हम समझते हैं घर्षण क्लच, यानी हमारा था फ्रिक्शन क्लच ना,
चलिए समझ लेते हैं कि फ्रिक्शन क्रश क्या होता है। हमारा घर्षण क्लच यहाँ पे दे रखा है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं घर्षण क्लच को। घर्षण क्लच यहाँ पे था हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है घर्षण क्लच का सिद्धांत थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन क्लच, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसके डायग्राम दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका जो सिद्धांत है, सिद्धांत को समझ लेते हैं वैद्यनाथ, यहाँ पे फ्रिक्शन क्लच के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप चलिए समझते हैं कि फ्रिक्शन क्लच के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, ठीक है। चीज़ों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना यार, स्किप करके देखोगे तो दिक्कत होगा आपको, ठीक। यहाँ पे देखो क्या दिया है, हम जानते हैं कि संपर्क में रखे दो रुक्ष पिंडों के मध्य सापेक्ष गति के दौरान चलित वस्तु की सतह पर घर्षण बल सदैव चालक वस्तु की गति की दिशा में कार्य करेगा। इसी सिद्धांत के अंतर्गत घर्षण क्लच में चालक शाफ्ट पर कुंजी ही सहायता से चालक फ्लेंज लगा होता है, तथा चलित स्प्लाइन शाफ्ट पर चलित फ्लेंज लगा होता है। इन फ्लेंजों की मिलान सतह पर घर्षण पदार्थ एस्बेस्टस फेरोडो नमदा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हाईलाइट करके रखा है ना, चीज़ों को आप समझ के लिख लेना, ठीक है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा यार, ठीक है। इस तरह पढ़ाने बैठ गए ना तो तुम्हारा यहाँ पे आपका 20 डेज जो बचा ना, कुछ बचेगा नहीं यहाँ, ठीक है, मज़ा नहीं आएगा। थ्योरी चैप्टर थ्योरी में वैसे ही नहीं मज़ा आ रहा होगा, ऊपर से ज़्यादा थ्योरी पढ़ना लगे वीडियो में, तो सोचेगा यार क्या बता रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं घर्षण क्लच के बारे में, देखो 2-4 पॉइंट जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें से पढ़ के छाँट सकते हो इतना, ठीक है। उसके बाद ऐसा चीज़ें मैं सब नहीं करवाऊँगा, ठीक है, थोड़ा बहुत करवा दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो घर्षण क्लच 3 प्रकार का, तो इन चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे। प्लेट क्लच होता है, शंकु क्लच होता है, अपकेंद्रीय क्लच होता है, ठीक है। तो इन तीनों क्लच जो हमारे होते हैं, प्लेट क्लच, शंकु क्लच, इन क्लचों को हम लोग समझ लेते हैं। देखो आपको समझ में आया कि टाइप्स ऑफ क्लच हम लोग समझ लेते हैं। इसमें हमारा था पहला धनात्मक क्लच और दूसरा था हमारा फ्रिक्शन यानी कि घर्षण क्लच, ठीक है। धनात्मक क्लच यहाँ पे 2 प्रकार का था, वर्गाकार था और एक और पता नहीं क्या था। और यहाँ पे देखो उसके बाद हमारा घर्षण क्लच जो था वो हमारा 3 प्रकार का दे रखा, प्लेट क्लच, शंकु क्लच, अपकेंद्रीय क्लच। तो आपको हेडिंग भी तैयार रखना है और हेडिंग के बारे में जो चीज़ें कुछ बिंदु पॉइंट होती हैं उनको याद रखना, जिससे आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन मिल जा रहा है, ठीक है, तो आपको छोड़ने के बजाय उसमें कुछ पॉइंट आप लिख के रहा हो, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्वेश्चन को तोड़ो, क्वेश्चन को, ठीक है, अटेम्प्ट करके आना, क्वेश्चन नहीं छोड़ना भाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। आप देख सकते हैं आपके सामने, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा प्लेट क्लच, ठीक है। यहाँ पे प्लेट क्लच आपको दिया है, यहाँ पे देखो लिखा है, जब घर्षण उत्पन्न करने के लिए क्लच में घर्षण प्लेट का प्रयोग किया जाता है तो प्लेट क्लच कहलाती है, ठीक है। यह प्रायः 2 प्रकार की होती है, ठीक है। क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, सिंगल प्लेट क्लच और मल्टीपल प्लेट क्लच, ठीक है। देखिए ये आपका मोस्ट है, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। इसको इसमें देखिए, इसमें डिफरेंस पूछ सकता है आपसे, सिंगल प्लेट क्लच और मल्टीपल प्लेट क्लच, ठीक है। तो इनको, ठीक है, हम लोग समझेंगे, ठीक है, जो हमारा सिंगल प्लेट क्लच है और मल्टीपल प्लेट क्लच है, ठीक है, इनको इनमें डिफरेंस हम लोग समझेंगे। यहाँ देखो प्लेट क्लच आप लोग समझ लिए, जब घर्षण उत्पन्न करने को प्लेट क्लच हेडिंग डालो यार, प्लेट क्लच हेडिंग डालो और उसमें लिखो, जब घर्षण उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, घर्षण क्लच है भाई, जब घर्षण उत्पन्न करने के लिए क्लच में घर्षण प्लेट का प्रयोग किया जाता है तो वो प्लेट क्लच कहलाता है। प्रायः 2 प्रकार के लिख लेना, सिंगल और मल्टीपल, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम भारी भरकम है तो भाई डायग्राम के पीछे आपको नहीं भागना है, जिसको समझ में आएगा डायग्राम बना लेगा, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थ्योरी पार्ट भी लिख देंगे, कभी कोई फेल नहीं करेगा यार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डायग्राम मायने रखता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या करोगे भाई, काफ़ी एग्जाम नज़दीक है, पता है आपको, इस बार इस साल हमारा सेमेस्टर गड़बड़ हो गया था, सबका सेमेस्टर गड़बड़ हुआ है, ठीक है, एग्जाम को टाल देने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो भी चीज़ें हैं आपको शॉर्टकट में किस तरह सेमेस्टर को क्वालिफाई करना है, ठीक है, उसके बाद अगले सेमेस्टर से फिर मन से की पढ़ाई करनी, इस सेमेस्टर में भी मन से लगना है, लेकिन अगले सेमेस्टर में और अपना 100% देना है, इसमें भी देना है, उसमें भी देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखो कुछ कंस्ट्रक्शन दिया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इस क्लच चित्र संरचना यहाँ पे देखो लिखा संरचना इसका, इंजन की चालक शाफ्ट पर कुंजी की सहायता से चालक फ्लेंज ये दृढ़तापूर्वक लगा रहता है, ठीक, चालक फ्लेंज यहाँ पे दृढ़तापूर्वक लगा रहता है। चालक फ्लेंज ये कि दाई ऊर्ध्वाधर सतह पर घर्षण पदार्थ का, ठीक है, घर्षण स्तर लगा रहता है। चलित मशीन की चलित शाफ्ट पर बने कालर की बाई और शाफ्ट की अक्ष के समांतर स्प्लाइन बने होते हैं, जिसे स्प्लाइन शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो भी चीज़ें जो भी है, देखो इसमें मैं आपका छांट का नहीं, यहाँ पे देखो छांट नहीं पाऊंगा कुछ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन है, इसमें से आप 5 है तो 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 6 है तो 5 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन हाँ छांट नहीं सकते हो, ठीक है। इसमें से आप लोग समझ किसको भी लिख लेना, थ्योरी पार्ट है, ठीक है। अगला हम लोग देख रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो वर्किंग मेथड इसी का दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो घर्षण क्लच का वर्किंग मेथड दिया है, ठीक है, नहीं सॉरी प्लेट क्लच का, ठीक है। यहाँ पर सर्वप्रथम वाहन को न्यूट्रल गियर में रखते हैं, दे रखा है आपका, वाहन को स्टार्ट कर देते हैं जिससे चालक शाफ्ट प्रवाह दिशा में घूमने लगती है, ठीक है। तो ये आपका दे रखा है। देखो मल्टीपल क्लच के बारे में कुछ दिया है, यहाँ पर सिंगल प्लेट क्लच के बारे में नहीं दिया है, इसको आप लोग हेडिंग बना के ले लीजिएगा। इसमें कई प्लेटें होती हैं, मल्टीपल प्लेट क्लच में कई प्लेटें होती हैं, प्लेटों की संख्या बढ़ने से घर्षण सतहें बढ़ती हैं, जिससे अधिक
टार्क पारित करने की क्षमता कैपेसिटी अधिक बढ़ती है। इसकी संरचना तथा क्रियाविधि एकल प्लेट क्लच की ही तरह होती है, ठीक है, केवल पदों की संख्या अधिक होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखो बहु प्लेट क्लच को आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा, इसका हम लोग डिफरेंस समझने वाले हैं बहु प्लेट क्लच का। देखो क्या है बहु प्लेट क्लच, इसमें कई प्लेट होती है। जो बहु प्लेट क्लच है ना, बहु नाम से पता चला बहुत सारी प्लेट जो होती हैं, ठीक है, यानी बहुत सारी प्लेट होती है, इसमें कई प्लेट होती हैं, ठीक है। अभी सतह इसमें बहु प्लेट यानी कि बहुत सारी प्लेटें होती हैं, इसमें प्लेटों की संख्या बढ़ने से घर्षण सतह बढ़ती है। भाई जितना प्लेट रहेगा उतनी प्लेटों की संख्या बढ़ने से क्या होती है, इसमें देखो बहु प्लेट समझ में आ रहा है कि बहुत सारी प्लेटें होती हैं जिसके कारण क्या घर्षण संख्या बढ़ती है, ठीक है, जिससे अधिक टार्क पारित हो जाए। घर्षण संख्या बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, उससे अधिक टार्क पारित हो रहा है। भाई टार्क पारित करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है, अधिक टार्क पारित करने की क्षमता क्या बढ़ती है। सबसे पहले बहु प्लेट में बहुत ज़्यादा प्लेट होते हैं जिसके कारण, ठीक है, संख्या यहाँ देखो घर्षण की संख्या बढ़ती है, ठीक है, सतहें बढ़ती हैं जिससे अधिक टार्क पारित करने की क्षमता बढ़ती है। इसकी संरचना तथा क्रियाविधि एकल प्लेट क्लच की ही तरह होती है, ठीक है। इसकी संरचना क्रियाविधि कैसी होती है, एकल प्लेट क्लच की ही होती है लेकिन केवल प्लेटों की संख्या अधिक होती है। इसमें क्या होती है, प्लेटों की संख्या अधिक होती है, सारी क्रियाविधि एक ही होती है, सिंगल और मल्टीपल की, लेकिन क्या होती है प्लेटों की संख्या सिर्फ इसमें बहु प्लेट है तो भाई बहुत सारी होती है यानी अधिक होती है इसमें, ठीक। अब लोगों को ये समझ में आया होगा, इसमें से देखो 3-4 पॉइंट करके लिख लेना वर्किंग मेथड में, ठीक है। अब बहु प्लेट को आप लोग समझिएगा कि बहु प्लेट क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं, आगे समझते हैं शंकु क्लच को, ठीक है। शंकु क्लच क्या होता है, शंकु क्लच को समझ लेते हैं। भाई शंकु क्लच होता क्या है, देखिए शंकु क्लच आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शंकु क्लच, ठीक। आप देखिए क्या दिया है, कौन क्लच जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, इसकी संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन नीचे निम्न प्रकार है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन दिया है, संरचना दिया है, इंजन की चालक साइड पर कुंजी की सहायता से खोखला शंकुआकार चालक फलंजे दृढ़तापूर्वक जड़, ठीक है, जकड़ा रहता है, ठीक है। चालक फलंजे तथा भी इसमें भी आप 3-4 पॉइंट लिख दो यार, ठीक है। यहाँ पर देखो कौन क्लच की क्रियाविधि है, इसको तो भाई आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सर्वप्रथम वाहन को न्यूट्रल गियर में रखते हैं, वाहन के इंजन को स्टार्ट कर देते हैं जिससे चालक साफ पर एंटी क्लॉक वाइज दिशा में घूमने लगती है, ठीक है। चालक साइड पर लगा चालक फलन भी प्रवाह दिशा में घूमने लगते हैं, ठीक है। लीवर पर धीरे धीरे दाब लगाकर चलित पिस्टन, ठीक है, चीज़ें हैं, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक। यहाँ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा यहाँ पर लाभ दिया है इसका, भाई इसको नहीं छोड़ना, भाई इसको बिल्कुल भी नहीं आपको स्किप करना है, ठीक है। लाभ का दिया, कौन क्लच का सबसे बड़ा लाभ, ठीक है, क्या है, यह है कि इसमें घर्षण सतह पर लगने वाला बल लंबवत बल के एक्सियल फोर्स से बहुत अधिक होता है, इसलिए, ठीक है, इसलिए यह एकल प्लेट, ठीक है, एकल प्लेट क्लच की तुलना में अधिक शक्ति पारित कर सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोग लाभ करके नोट पॉइंट में करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आप चले देखिए क्या है, हम लोग दो क्लच को समझ लिए हैं और हमारा लास्ट और आखिरी क्लच आप केंद्रीय क्लच, ठीक है। चलिए समझते हैं कि केंद्रीय क्लच क्या होता है, भाई अब केंद्रीय क्लच को चलिए समझ लेते हैं। अब केंद्रीय क्लच आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, इसके पर हम लोग कौन क्लच को समझे हैं, ठीक है। अब समझने वाले हैं हम लोग अब केंद्रीय क्लच का, जिसे इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल क्लच बोला जाता है, ठीक है। यहाँ देखो इंट्रोडक्शन में क्या दिखा है, प्रायः क्लच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करती है, ठीक है, यानी कि अब केंद्रीय बल पर या क्लच, अब केंद्रीय क्लच भाई तो केंद्रीय बल पर ही कार्य करती है, सिंपल है भाई, जिसमें किसी पैडल या लीवर की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें, ठीक है। देखो यह केंद्रीय बल में क्या दिया, पैडल या लीवर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह स्वयं एंगेज तथा डिस एंगेज होती है, स्वयं क्या होती है, एंगेज होती है या डिस एंगेज होती है। चालक साइड पर कुंजी की सहायता से चार से देखो कंस्ट्रक्शन इसका भी दे रखा है, इसका कंस्ट्रक्शन देखो थ्योरी ज़्यादा है यार, वीडियो काफ़ी लंबा करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको चीज़ों को वहाँ पे लिख लेना समझ के, देखो मच्छर मर गया अभी आ गया है इसमें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आ गया है, तो भाई इसका भी फोटो यहाँ पे ले लिया गया है, ठीक। ओ माय गॉड, यहाँ देखो अब केंद्रीय क्लच है यहाँ पे, वहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन आपका दिख रहा है उसको लिख लीजिएगा, और आपका यहाँ पे कार्यविधि यहाँ पे है वर्किंग मेथड, जब इंजन स्टार्ट करके उसे सामान्य गति पर चलाया जाता है तो इंजन की क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी चालक साइड की सामान गति पर वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगती है। अब देखो इसमें देखो 5-6 पॉइंट छाड़ के लिखना है भाई इसमें, ठीक है, 5-6 पॉइंट छाड़ के लिखना है, या आप बोलोगे तो लिखवा देंगे कमेंट बॉक्स में बताओगे, नहीं तो ठीक है आप इसमें से छाड़ करके पढ़ करके लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखो उसके बाद यहाँ पे कुछ दे रखा है, इसको भी समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया दे रखा है आपका, इसी प्रकार, ठीक, इसी प्रकार एक सेमी सेंट्रिफ्यूगल क्लच अर्ध अपकेंद्र क्लच होता है जो स्प्रिंग को फोर्स था अपकेंद्रीय बल दोनों प्रकार करता है, सेमी सेंट्रिफ्यूगल क्लच कम गति पर स्प्रिंग, ठीक है। इसमें सेमी सफल यानी अर्ध यहाँ पे यानी कि अर्ध अपकेंद्रीय क्लच के बारे में कुछ यहाँ पे जानकारियाँ हैं उसको भी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट करके लिखा ही दिया जा रहा है,
कि इसके यहाँ पे देखो कार्यविधि के बारे में पहला यहाँ पे पॉइंट करके लिखो। यहाँ पे ऐसे पहला पॉइंट लिखोगे, मैं पहले इसको पहले देख ले रहा हूँ कौन कौन सा मोस्ट है, वही किसी को मैं लिखवा रहा हूँ। थोड़ा सा एक मिनट आप थोड़ा सा इस पॉज रहिएगा। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट लिखो इसमें सेंट्रीफ्यूगल क्लच, यानी कि अपकेंद्रित क्लच को स्प्रिंग फोर्स की बजाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है। ठीक है, यानी कि जो जो ये हमारा जो जो अपकेंद्रित बल होता है ना, यानी कि अपकेंद्रित जो क्लच होता है ना, ये क्या होता है स्प्रिंग फोर्स की बजाय, ठीक है, इसके बजाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, ठीक है, इसमें क्लच क्लच पैडल नहीं होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट क्या लिखा गया, इंजन की इंजन के अनुसार स्वतः ही कार्य करता है, इंजन को बिना बंद किए गाड़ी की गियर में ही रोक सकते हैं। ठीक है, इसे ठीक है, बस इसमें तीन पॉइंट इसमें भी लिख देना और ऊपर कुछ पॉइंट है इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे आपके आप पॉइंट देख रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पे देखो इसको आप लिख लेना, पहले केंद्रीय क्लच डालने के बाद या प्राय क्लच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करती है, जिसके जिसमें किसी पैडल या लीवर की आवश्यकता नहीं पड़ती, एस वन एंगेज या डिसएंगेज होती है। ठीक, इतना लिखने के बाद ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन यानी संरचना डालना है, इसमें एक से दो पॉइंट लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, छोटा छोटा लिखना है करके। ठीक है, उसके बाद आपको कार्यविधि हेडिंग डालनी है और कार्यविधि में आपको लिखना है, मैंने आपको पॉइंट करके लिखवाया दो तीन पॉइंट, वो इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।